सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चे मेरे कॉल कर रहे हैं, मेरे से पूछ रहे हैं कि सर क्या अब कोई भी चांस नहीं कि एग्जाम ऑनलाइन हो गया हमारे। तो गाइज, मैं आप सभी को एक ही सिंपल सा और प्यारा सा आंसर देना चाहूँगा क्लास 9th और 11th के बच्चों को कि देखो, ऐसा नहीं कि अब एग्जाम ऑफलाइन ही होगी, ऑनलाइन भी हो रहे। कई सारे बच्चों के एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन में, या तो स्कूल खुद मान गया है, या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि या तो गवर्नमेंट ने प्रेशर डाल दिया है। अगर दोनों ही कंडीशन नहीं है तो भी आप चाहते हो कि आपका एग्जाम ऑनलाइन हो, तो अगर आपके एग्जाम स्टार्ट हो गए और कोई बच्चा पॉजिटिव आ जाता है स्कूल के अंदर, तो आपका एग्जाम ऑनलाइन हो जाएगी। मतलब किसी बच्चे को अपनी जान खतरे में डाले, उसके बाद में एग्जाम ऑनलाइन कराए। और कुछ स्कूल तो इतने स्मार्ट हो गए हैं, वो एग्ज़ाम के साथ में कोविड की वैक्सीन भी लगवा रहे हैं बच्चों को। तो सिंपल और कॉमन एकदम आंसर देता हूँ आपको कि क्लास 9th और 11th के एग्ज़ाम ऑनलाइन सिर्फ एक कंडीशन में हो रहे हैं, उन्हीं स्कूल्स में एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहे हैं जहाँ पर बच्चे पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर बच्चे पॉजिटिव नहीं आ रहे तो एग्ज़ाम ऑफलाइन ही करा रहा है स्कूल। अगर अभी तक के डाटा के अकॉर्डिंग बताऊँ तो अभी तक मोर देन 250 बच्चे पॉजिटिव आ गए ऑल ओवर इंडिया के अंदर, वो भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद में। और उनमें से मोर देन 30-40 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम में बच्चे पॉजिटिव आए, उसके बाद में ऑनलाइन एग्ज़ाम का डिक्लेयर कर दिया। तो गाइज, एक ही कंडीशन में एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहे हैं, या तो स्कूल अपना मान जाए या फिर गवर्नमेंट प्रेशर कर दे। अगर गवर्नमेंट और स्कूल दोनों ही वाला केस नहीं है आपके स्कूल में, तो थर्ड केस बनता है कि अगर कोई बच्चा पॉजिटिव आ गया तो एग्ज़ाम ऑनलाइन हो जाएगी सभी के, और कोई अब चांस नहीं है। मैं गाइज देखो, घुमा फिरा के आप सभी के जो फीलिंग्स उनका खेलूंगा नहीं, डायरेक्ट जो है आपका क्वेश्चन का आंसर मैंने वो दे दिया। मेरा काम आप सभी को अपडेट देना है, मैंने आपको अपडेट दे दिया एग्जाम के रिगार्डिंग। अभी कई सारे अपडेट आएगी, अभी आप क्लास 10th में आओगे, क्लास 12th में आओगे, तो न्यूज़ तो आपको देनी ही है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई फेक न्यूज़ देकर आपका ट्रस्ट तोड़ूं। हम सभी अपने सारे बहुत टाइम से साथ में रहे हैं, तो मैं हर एक बच्चे का ट्रस्ट जो मैंने जीता है मैं उसको खोना नहीं चाहता। तो मैं आप सभी को इतना कहना चाहूँगा कि चलो कोई बात नहीं, अपने सभी एक साथ साथ में आए, कोई ना कोई आपको बेनिफिट मिला है इसका, कोई लॉस नहीं हुआ आपको। बेनिफिट आपको ये मिला है कि स्कूल आपके ऊपर ध्यान देने लग गया, क्वेश्चन पेपर का टफनेस इजी कर दिया, और आपके पेरेंट्स वगैरह को फोकस हुआ आप पर कि हाँ बच्चा कुछ कर सकता है। आपको भी कई सारी नई चीज़ें जानने को मिली, तो हर एक बैड एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ गुड मिलता है। तो गाइज, मेरे को उम्मीद है कि सभी को ये बात समझ आई होगी। तो गाइज, मेरे को उम्मीद है कि सभी को अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। बाकी गाइज, टेंशन वगैरह नहीं लेनी, कोई भी कन्फ्यूजन तो मुझे कॉल कर लो या फिर कमेंट करके बता दो। तो गाइज, इस वीडियो में इतने, फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक आशा करो सेफ रहो।